रेलवे का पूरा फोकस है गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पे, और इसीलिए आप देखेंगे जो रेशियो था जनरल और एसी कोचेस का, यानी एसी और नॉन एसी कोचेस का, नॉन एसी कोचेस करीब करीब 2/3 रहते हैं और एसी कोचेस 1/3 रहते हैं, उस पूरे के पूरे रेशियो को लगातार मेंटेन किया गया। लेकिन जब देखा गया कि जनरल कोच की डिमांड कई मान्यवर सांसदों ने की, उसके बाद में जनरल कोच की मैन्युफैक्चरिंग का एक स्पेशल प्रोग्राम लिया गया है जिसमें करीब 12,000 जनरल कोच स्पेशली बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में करीब 900 जनरल कोच एक्स्ट्रा ऐड किए जा चुके हैं और 10,000 कोच का मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट पे चल रहा है। तो बहुत इसमें फोकस्ड वे में हर ट्रेन में जनरल कोच ज़्यादा हो, जिससे कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पैसेंजर्स आना चाहते हैं उनको भी एक पूरी सुविधा मिले। अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से नॉन एसी है, 22 कोच में से 20 कोच जो पैसेंजर के हैं, 2 कोच पार्सल के और इसके रहते हैं, 20 में से 10 स्लीपर कोच है और 10 जनरल कोच है। दोनों ट्रेन्स अच्छी चली हैं, उसके अनुभव के आधार पे 50 और गाड़ियों का प्रोडक्शन प्लान हाथ में ले लिया ऑलरेडी। आगामी जनवरी के महीने से या ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी के महीने से हर महीने 2-2, 3-3 ट्रेन अमृत भारत की नई आने लगेगी। 1,000 किलोमीटर की जर्नी मात्र 400 रुपये में, इतना अफोर्डेबल मेरे ख्याल से दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं होगा जिसमें 1,000 किलोमीटर 400 रुपये के आसपास के फेयर में करवाए, इतना और अच्छी सुविधा। साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए नमो भारत ट्रेन का डेवलप किया गया है। शॉर्ट डिस्टेंस के जो 2 सिटी के पेयर्स हैं उनके बीच में हाई फ्रिक्वेंसी से ट्रेन चल पाए, जैसा यूरोप में रीजनल ट्रेन्स होती है। 2 ट्रेन्स ऑलरेडी बन चुकी है, पहली ट्रेन को डिप्लॉय किया गया भुज से अहमदाबाद के बीच में। जो मेमू ट्रेन जो कि बहुत ही पॉपुलर है और उसकी बहुत डिमांड आती है माननीय सांसदों से, उसके भी इस साल में 600 कोच बने हैं, यानी 10 कोच की एक ट्रेन हो तो करीब करीब 60 नई ट्रेन बनी है।